वेलकम टू फ्रिज चैनल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको कुल्टिंग दिखाएंगे जिसका साइज है 6x24 का साइज है। पहले भी हमने कुल्टिंग की वीडियो डाली थी, उसमें आपको मेरे ख्याल वॉइस की प्रॉब्लम थी तो करके कई भाइयों को उनका पता नहीं लग पाया भी कैसे किस तरीके से। तो आज हमारे साथ मास्टर जी हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से पूरा साइज बताएंगे, किस तरीके से साइज बनेगा, निशान लगने हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बेड की जो कुल्टिंग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, किस हिसाब से निशान लगाते हैं। सबसे पहले जो बेड की प्लाई जो लगी होती है उसको उतारने से पहले सब उसका टॉप का निशान लगा ले और ऊपर का निशान ज़रूर लगा ले, ताकि हमारे को तो फिट करें तब और बैक साइड में उसमें ज़रूर निशान लगा लें। निशान लगाने से यह होता है कि हमारे को जब कसेंगे तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी, ये पैसा पासा इसका ऊपर का है या नीचे का है, ठीक है। अब आपको निशान लगाने के लिए मैं बताऊंगा इसका कि कितने डिवाइड करना है। ये हमारा ऐसे 24 इंच है, मन की दो फुट ऐसे, और ऐसे है आपका, ये आपका है 72 इंच है, ठीक है जी। दोस्तों अब मैं इसमें निशान लगाने जा रहा हूँ। ये हमारा 24 इंच है, 24 इंच को हम इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, तो इसमें 5 लाइन आएंगी आपकी बटनों की, जो लाइन आएंगी वो 5 लाइन आएंगी, ठीक है जी। ऐसे ही इधर भी निशान लगा लेंगे। ऐसे हमारा 72 इंच, तो हम इसको 6 इंची में लेंगे, 6-6 इंची में निशान लगाएंगे। नीचे से 4 इंची का निशान लगाना है आपको, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी 4 इंची का निशान लगा लेना है, बीच सेंटरों में भी 4 इंच का निशान लगाना, और जो हमारे लास्ट है उधर भी 4 इंच का निशान लगा लेना है। इस सीधी तार की फिटिंग लेना है यहाँ पे, जिससे आपको ये देखो ये मैंने निशान लगा लिया, ये निशान ऐसे लगाए इधर, ऐसे भी आपको ऐसे ही निशान लगाना है। ये निशान हो गया दोस्तों, अब हम 6-6 इंच के निशान लगाएंगे इस पर। इधर भी हम 6 इंच निशान लगा लिए, 6 इंच का, इधर भी 6 इंच का निशान लगा लिया ऊपर भी। अब ऐसे ही 6-6 इंच के निशान लगाते जाएंगे हम जी। दोस्तों अब मैं जो निशान लगाने जा रहा हूँ वो बर्फी का, जो जैसे कुल्टिंग का जो निशान होता है उसका निशान लगाने जा रहा हूँ। देखो ऐसे निशान हम पूरी प्लाई पे लगा देंगे। दोस्तों ये अब ऐसे निशान लगा लगे, अब हमारे को इधर से निशान लगाने हैं। दोस्तों आपको ये जो निशान दिख रहे हैं क्रॉसिंग के, यहाँ पे बिट लेना 2 सूत वाला, 2 सूत या 3 सूत वाला लेना आपको, यहाँ से इसके सारे होल करने ड्रिल से होल के, ताकि हम जो धागे निकालते हैं बटन लगाते हैं जिसको क्रॉस की बोलते हैं वो चीज़ लगाते हैं, तभी ये आपकी कुल्टिंग बन पाई। ये आपकी पूरी बर्फी हो गई जिसको कुल्टिंग आई, ठीक है दोस्तों। तो आप पूरा निशान लगा दिया मैंने, अब इसमें हम ड्रिल मारने जा रहे हैं। ऐसे सुराग दोस्तों सारे में कर देना है हमारे को, ठीक है। दोस्तों हमने इसमें सारे में ड्रिल कर लिए और इसमें चिप्स ना लगे इसलिए हम इसको कर लिए। दोस्तों जो हमारे प्लाई का साइज था 2 फुट, मतलब उससे हमने 1.5 इंच फोन फालतू लिए हुए, और ऐसे 72 इंच था, 72 इंच से 1.5 इंच फालतू लिए हम, ठीक है। और इसको हमने चारों तरफ से टेपर कर लिया, ये देखो ऐसे टेपर करनी है आपको। टेपर करने के बाद में अभी इसमें हम बोस्टिक लगाने जा रहे हैं, फेविकोल SR फोम फिक्स, ठीक है। Thank you.
दोस्तों इसमें बोस्टिक लगा दिया, अब इसको ना 5 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि सूख जाए, गीले गीले में क्या है वो उखड़ता रहता है, ठीक है। अब दोस्तों हम प्लाई में बोस्टिक लगाने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों अब हम इसको पेस्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों ये सुराखों में से देखो इस वजह से हम बैक कर रहे हैं इसको ताकि हमारे को सुराख का पता लग जाए। ऐसे ही में सब में मार लेने सुराख। दोस्तों होम पेस्टिंग होगी, अब हमें इनमें सुई से अपने निशान लगा लिए जहाँ कुल्टिंग बननी है। अभी हमारे को 19 mm की हमारी ये डाई है फोम निकालने की बिट, इससे हम ऐसे सुराख मार के सारा फोम निकालेंगे, आप देखते रहें, ठीक है जी। दोस्तों ऐसे सारे में सुराख मारने और ये देखो फोम इसकी ऐसे निकाल लेनी है, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये देखो, अब ये इस टाइम हमारी ये बर्फी बन जाएगी, देखो इससे बहुत बढ़िया प्लेटें बैठेंगी और अच्छी फिनिशिंग आएगी फोम निकालने से। अगर हम ऐसे ही वैसे मारेंगे या जैसे ये निशान ऐसे बैठेंगे प्लेटें से ही नहीं बैठेंगी। ठीक है दोस्तों दिख रहे हैं आपको सारे होल्स। दोस्तों हम कपड़े का इसका नाप लेंगे, कैसे नाप लेते हैं वो आप देखो। दोस्तों ये 6 इंच की प्लेट है हमारी, 6x8 की, ये देखो। तो ये इंच टेप को या आप ऐसे करके देख सकते हो, ऐसे करके नाप ले लो, ये देखो ये 10 इंच, 2 इंच फालतू आपको कपड़ा लेना पड़ेगा, 2 इंच ऐसे और 2 इंच ऐसे। अगर कपड़े में लपक ज़्यादा है तो आप 1/2 इंच कम ले लेना कपड़ा, ताकि वो प्लेटें में सलोट ना आए, ठीक है। ठीक है दोस्तों ऊपर से 7.5 इंच लेना है आपको, जो ऊपर की प्लेट आएगी ना निशान आएगी जिसमें लाइन लगेगी उसमें। उसके बाद में हमारी जो 8 इंच की प्लेट बन रही है उसको आपको 0.5 इंच ले लो, ठीक है 10 ले लो। इसमें कपड़े में थोड़ा सा लपक है ना, हाँ लपक है, तो 8 इंच की 9.5 इंच ले लो आप। ये आप पट्टी से हम निशान मार लेंगे पहले, दोस्तों ऊपर से भी 7.5 इंच लिया हमने, उसके बाद में आप 9.5 इंच निशान लगाया, फिर 9.5 इंच, उसके बाद में 7.5 इंच का निशान लगाया, ठीक है। इसको हम फालतू जितने कपड़ा है उसको हम निकाल देते हैं। दोस्तों साइड वाली जो कुल्टिंग है ऊपर सबसे ऊपर वाली उसको हम साइड से आ लेंगे 11 इंच, ठीक है। उसके बाद में जो 6 इंच के निशान वो लेने हैं हमारे को 8-8 इंच पे, 2 इंच कपड़ा फालतू लेना है आपको, ठीक है। ऐसे ही नीचे लगा लेना निशान आपको। दोस्तों अब इस पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों जैसे प्लाई पे निशान मारा था हमने बर्फी बनाई थी उसी हिसाब से कपड़े पे निशान लगा दिया हमने, वन साइड तो लगा दिया, टू साइड भी देखो ये। दोस्तों अब इसमें हम धागा बांध रहे हैं, देखो इसका मार्जिन लेना है आपको बांधने के लिए इतना, ठीक है। ऐसे ही है ना सब में, सारे में बांध लेना, ठीक है। ठीक है दोस्तों अब इतने इतने बड़े आपको धागा लेना है इसको, और इसको ऐसे करके बांधना है, इसमें डबल गांठ लगानी है आपको।
डोर लॉक करना है आपको, ठीक है। दोस्तों अब कपड़े लगाने जा रहे हैं अभी इसमें, ठीक है। दोस्तों ऐसे सारे सारे टांके हैं ना, ऐसे खींच लेंगे सारे जितने भी हैं। दोस्तों ये हमारी कुल्टिंग अब एकदम कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हम स्वारोवस्की लगाएंगे बटन स्टोन, ठीक है। दोस्तों जैसे ये बटन हमने लगाए ना खांचों में, ऐसे ही इसमें पूरे सब में लगा देंगे, ये देखो। दोस्तों ये जो बटन है ना, ये पीछे जो इसका ये एसएस का है स्टील के, और ये जो जो स्टोन है ना, ये ओरिजिनल स्टोन है। इसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती। एक होता है हल्के वाले सेकंड हैंड में, ये ओरिजिनल है। दोस्तों ये बटनों को हम पक्का कर रहे हैं। जैसे ही पूरी लाइन पक्की करी है ना ऊपर की हमने, ऐसे ही ये सारी लाइनें पक्की करनी है। दोस्तों हमारी ये कुल्टिंग पक्की हो चुकी है बिल्कुल, देख लो ऐसे सारे स्टोन लग चुके हैं। और इसके जो पीछे हमने धागे पक्के करे थे, ये देखो ये भी सारे हमने ऐसे काट देने सारे, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कुल्टिंग हमने आपको पूरी बताई है शुरू से लेके एंड तक, कि किस तरीके की हमने प्लाई ली है, कि कैसे इसमें स्टोन लगे हैं, कि जो सी हमने फॉर्म लगाई है कौन सी कंपनी की लगाई है, कितने इंची की लगाई है, किस तरीके से बनते यानी कि हमने इसको बनाया। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप भाइयों ने पूरी देखनी। अगर किसी ने दिल्ली में अगर कुल्टिंग वगैरह बनवानी हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। फ़ोन नंबर है मेरा 9818424649, आपको सामने स्क्रीन पर भी मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों इसमें काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी फिनिशिंग का काम है, यानी कि काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप वीडियो को पूरा देखा करो और कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो। किस टाइम, इस टाइम रात के कम से कम 1:30-2 बज रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे इधर लाइट की वायरिंग डल रही है तो लाइट की प्रॉब्लम है, तो कभी लाइट आती है कभी नहीं, 2-2, 3-3 घंटे का कट लगा। इस टाइम रात को लाइट आ रही है तो हमने ये शाम को ही हमने चालू कर दिया था, तो इसमें काफ़ी टाइम लगा है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद उल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और मेरे भाइयों ने, मेरे प्यारे भाइयों जी, आप लोगों, आप भाइयों की सपोर्ट है कि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये आपकी मदद है। जो चैनल को आप इतना लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो।